कि हमारे गांव के एक लाडले ने जिसका चयन सेना के एक अधिकारी के रूप में हुआ, आज हमारे बीच में आप पहुंचे हैं। भाई दीपक आवासिंग का ये लाडला, हमारे गांव का ये लाडला, जिसने हमें ये गौरवान्वित होने का क्षण जो है दिया, भेंट किया जाएगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, अपने गांव की तरफ से सम्मान है। तो कोई बात ना, लाइन से वहां पर खड़े हो जाएं और अपनी एक समर्थी चिन्ह भाई श्री भगवान, भाई श्री भगवान, भाई आप यहाँ आओ सारे ना, इधर आ जाओ, आगे बैठिए। आपने जिस तरह से एनडीए की तैयारी करके लेफ्ट नेट में चयन हुआ है, किस प्रकार से आपने तैयारी की, कहाँ से शुरुआत की थी, किन किन कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा? सर, सबसे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग 5th क्लास तक विद्या निकेतन स्कूल सिगड़ा में की थी। उसके बाद मेरा चयन सैनिक स्कूल रेवाड़ी में हो गया था, जहाँ पर मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने अपनी 12th क्लास सैनिक स्कूल रेवाड़ी से ही पास आउट की है। वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, वहाँ पर खेल कूद, अन्य गतिविधियाँ, NCC सब कुछ सिखाया गया। वहाँ से मैंने अपने ड्रॉप आउट किया 1 साल के लिए। मैंने NDA की तैयारी की, जिसके अंदर मेरे 4th अटैम्प्ट में मेरा NDA क्लियर हुआ। NDA क्लियर करने से पहले मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी X ग्रुप में, वहाँ से मेरा NDA क्लियर हुआ। NDA में मैंने अपनी BSc की है JNU से, वहाँ पे मेरी 3 साल की ट्रेनिंग की गई है। ट्रेनिंग के बाद मैंने IMA ज्वाइन किया NDA से पास आउट होने के बाद, जहाँ पर 1 साल की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर मैंने 1 साल ट्रेनिंग की है। और 9 दिसंबर 2023 को मेरे को कमीशन किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। किस प्रकार से आप वहाँ मुकाम तक पहुँचे हो, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी आपका लक्ष्य है, पहले आपको बिल्कुल आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। उसके बाद आपके अंदर वो जोश और वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़ौज में जाकर यही चीज़ सीखी है कि जोश के दम पे इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल करोगे। साथ में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो आपको उस चीज़ के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप पहली बार में असफल हो जाएं, दूसरी बार में हो जाएं, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे साथ के जो ऑफिसर हैं वो मैंने देखे, जो 10वें या 11वें अटैम्प्ट में भी उन्होंने कमीशन हासिल किया है। जैसे कि पूरा गाँव आपके स्वागत में खड़ा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत ही गर्व का एक मौका है कि मेरा गांव आनावास, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग सब यहां पर मौजूद हैं। ये बहुत ही एक खुशी का मौका है मेरे परिवार और मेरे गांव वासियों के लिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, और यहां पर सब लोग अपना समय निकाल कर यहां पर मेरे स्वागत के इसमें आए हैं, तो यह बहुत ही एक खुशी का मौका है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, जैसे कि आपके टीचर्स है, आपका गाँव है, आपके माता पिता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसी की भी इंसान की सफलता में किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता। इसमें मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे इतनी परेशानियों के बावजूद मुझे कभी महसूस नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई दिलाई है सैनिक स्कूल रेवाड़ी में दिलाई है। साथ साथ मेरे टीचर्स, बिना उनके यह सब कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। और मेरे गाँव वाले, जिनकी वजह से मुझे इतना जज्बा मिला कि मुझे कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उन लोगों की मुझसे इतनी उम्मीदें थी कि मैं सैनिक स्कूल में गया हूँ तो मैं एज ए ऑफिसर पास आउट हूँ। तो इस सब में मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले, मेरे टीचर सभी का योगदान है। आवासी, जिस प्रकार से आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है, किस प्रकार की खुशी महसूस करते हैं? बढ़िया खुशी महसूस करते हैं। किस प्रकार से आपने बच्चों में टैलेंट देखा कि मेरा बच्चा
लेफ्ट नेट बन सकते हैं, कितनी मदद किया कैसे पूछा है इसमें काम करना खूब मेहनत की मैंने कोचिंग दिलवाई समय से बोला भेजा मैं उसके पास मिल नहीं जाता था और उसको प्रोत्साहन करता रहा मैं उसने मेहनत की और मेहनत करने के लिए अपने से सफलता मिल गई उसको मुझे बड़ी खुशी हुई उसके लिए ठीक से बोले थोड़ा सा आपका बेटा लेफ्ट नेट बन के आया किस प्रकार की खुशी व्यक्त करते हैं आप जी सब की शामिल खुशी है मुझे ना तो ज़्यादा घमंड है और ना ही मुझे किसी चीज़ का गिला है बस देश के लिए जो करेगा वो अच्छा होगा और इसकी जो भावना थी उस पर ये कामयाब रहेगा ये हमेशा अपने जो विचार थी उन पर कायम है और ऐसे ही कायम रहे यही कहना जिस प्रकार से जैसे पढ़ाई करता था तो किस कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करता था किस प्रकार से जब से अमेरिका में रहा थे पाँचवीं क्लास में जब तक अपने पढ़ाई को सकल काम पूरा नहीं कर ले तो जब तक खाना पीना कुछ नहीं करते थे अपने पूरे टाइम पढ़ाई पर दिया करते ठीक शाम में कई बार तो 10-11 बज जाया करता और जब स्कूल में सैनिक स्कूल में थो तो मैंने कभी कोई कभी शिकायत नहीं करी किसी चीज़ की भी जो भी जैसे खाना मिले वो सब अच्छे बताते थे और अपने भाई पे पूरा ध्यान दिया करता ठीक है नाम राजेश कुमार जी खाकर मोदी टीवी का नमस्कार करता हूँ सरपंच साहब आप कार से आपका गांव का एक युवक दीपक जो लेफ्टिनेंट चैन हो क्या है गांव में आपने स्वागत किया है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मैं इस माता पिता का बहुत बहुत आभार करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसे संतान को जन्म दिया और भाई ने ये कामयाबी हासिल की उसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ मेरे पास शब्द नहीं इनके लिए खुशी इतनी हो रही है कि पूरे गाँव मेरे को नहीं पूरे गाँव को ही हो रही है ठीक इस प्रकार से आपका भाई आज लेफ्टिनेंट बन के आया है किस प्रकार की खुशी व्यक्त करते हैं और इसने मतलब बहुत मेहनत की है इसके लिए ये अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करता था चाहे खाना पीना कुछ करे ना करे लेकिन पढ़ाई ज़रूर करता था कभी कभी तो मतलब जैसे ये बताता है जैसे इसका एग्ज़ाम था तो सुबह 4 बजे तक पढ़ता था कभी कभी 3 बजे तक इस तरह से और इसने काफ़ी मेहनत की इसके लिए और हम सब बहुत खुश हैं जी आपका नाम संजू और माता जी का राम रति देवी ठीक